नमस्ते दोस्तों। दिन ब दिन कंप्यूटर के फील्ड में जो पार्ट लगे होते हैं ना छोटे हो रहे हैं। जैसे मेरे पास देखिए पुराना एक सीपीयू पड़ा हुआ है, ये बड़ा है ये साइज के अंदर, और एक नया सीपीयू मेरे पास आया हुआ है, ये छोटा है साइज के अंदर। तो बहुत सारे लोग देखते हैं ना इन दोनों सीपीयू को, तो समझ नहीं पाते हैं कि ये वाला तेज काम करेगा कि ये वाला तेज काम करेगा, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि छोटे सीपीयू में और बड़े सीपीयू में क्या अंतर होता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कंप्यूटर नॉलेज में आपको अच्छा एक नॉलेज देगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले शुरू करता हूं मैं ये बड़े वाले सीपीयू से। देख सकते हैं ये एक बड़ा सीपीयू है ये, ठीक है ये है। तो सबसे पहले इसे बात करते हैं, देखिए इसमें राइटर लगा हुआ है, ये सीडी राइटर यहाँ देख सकते हैं लगा हुआ। सीडी राइटर नहीं है, डीवीडी राइटर है, जो कि डीवीडी सीडी भी रीड कर लेता है और डीवीडी रीड कर लेता है, डीवीडी राइट कर लेता है, सीडी राइट कर लेता है। इसको 4-in-1 कह सकते हैं ये। लेकिन अब दिन पे दिन जैसे पहले फ्लॉपी आता था ना बंद हो गया, फिर ड्राइव आता था बंद हो गया, अब बहुत सारे कंप्यूटर में लैपटॉप के अंदर सीडी और डीवीडी ड्राइव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिन पे दिन इसका प्रचलन खत्म हो रहा है। अब पेन ड्राइव के माध्यम से और उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के माध्यम से लोग डेटा रिकवर करते हैं और पेन ड्राइव से ही सारा कुछ लोड हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए इस वाले कंप्यूटर में आपको दिख रहा है इससे बड़ा वाला ये, इसमें दो तरीके का राइटर आता था, एक आता था पैरेलल पोर्ट राइटर और एक आता था सीरियल पोर्ट राइटर। अब कंप्यूटर ले जाएंगे ना तो बहुत बार आपको जो है राइटर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर हो चुका। फिर देखिए उसके बाद ये साइज बड़ा होता है, ये बड़ा मैं कहूंगा कि एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। देखिए बड़ा सीपीयू रहेगा तो आपको खोलना अगर है, उसमें कुछ लगाना अगर है ना, तो इजी होता है, क्योंकि खुला खुला सब कुछ होता है एकदम, तो उसमें कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सेकंड जो नुकसान इसमें ये होता है कि ये स्पेस बहुत ज्यादा लेता है। जैसे मान लीजिए ये छोटा सीपीयू है ये, और इसको ऊपर रखेंगे तो ये जगह ज्यादा घेर रहा है ये, और ये जगह कम घेर रहा है, ठीक है समझ चुके ना। तो एक चीज डिमेरिट इसका हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी है। देखिए एक बेनिफिट और बता दूं आपको मैं, जैसे ये सीपीयू लगा हुआ ना, इसमें जो पार्ट लगे होते हैं, मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ एसएमपीएस की, तो एसएमपीएस जो इसका लगा हुआ है वो आपको यूनिवर्सल एसएमपीएस होता है, मतलब 500 रुपए में एसएमपीएस आपको मिल जाएगा। और आप इस के अगर एसएमपीएस खराब होता है तो उसे बदल सकते हैं। मदरबोर्ड खराब होता है तो आप दूसरा मदरबोर्ड लगा करके काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मदरबोर्ड सेट हो जाएगा। ये इसमें प्लस पॉइंट ये होता है तो देख सकते हैं। और मेनली जो है ये ब्रांडेड में आपको मिलेगा और असेंबल में मिल जाएगा, इस तरीके से सीपीयू ले सकते हैं। तो मतलब जगह ज्यादा इसके अंदर है, और जगह ज्यादा होने के नाते कि अगर कुछ आपको अपग्रेड करना है, कुछ नया इंस्टॉल करना है, तो इसमें आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जगह ज्यादा घेर लेता है दोस्तों, क्लियर है। जो करंट ये लेगा मोटा मोटी करंट ये भी ले पाएगा, और इसी इस साइज जो इसमें पार्ट लगे रहते हैं वो पार्ट के ऐसे सीपीयू ऐसे भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि हमको ये छोटा चाहिए। एक चीज और बता दूं आपको मैं, जो बड़े वाले सीपीयू नॉर्मली पुराने वाले थे ना, उसमें इनबिल्ड वाईफाई मतलब नहीं होते थे, हमको अलग से एक डोंगल लगाना पड़ता है, एक डोंगल लगाते थे। देखिए ये डोंगल है ना, इसको हम इसको लगाएंगे तब जाके हमारा ये सीपीयू जो है वाईफाई बनेगा, तब हमारे वाईफाई नेटवर्क से या हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट होकर नेट चलेगा, क्लियर है। ये लगाना पड़ता है, 200-250 रुपए का आता है ये चीजों का। लेकिन अब जो सीपीयू आते हैं, अब बात करते हैं इसकी क्या बेनिफिट है। अब जो सीपीयू आते हैं इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मिनी वाले के अंदर इनबिल्ड ये लगाना नहीं पड़ेगा आपसे, अलग से इसमें रहता है, और इसकी स्पीड तेज नहीं मिलती, लेकिन जो इसके अंदर इनबिल्ड रहता है उसकी स्पीड तेज मिलती है, क्लियर हो चुका। देखिए एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपको जो है ना ये कम जगह घेरेगा, और कहीं भी इसको रख करके आप इसको काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरे हिसाब से डिमेरिट इसका ये है कि अगर आपने डेल कंपनी का किसी ब्रांड कंपनी का पीसी ले लिया है, तो आप जाएंगे इसका कोई पार्ट खराब हो गया, मान ली एसएमपीएस खराब हो गया, इसका मदरबोर्ड खराब हो गया, तो जब मार्केट में जाएंगे ना ऐसे खुलेआम कि भैया मुझे डेल का इस मॉडल का मदरबोर्ड दे दीजिए, मुझे डेल के इस मॉडल का एसएमपीएस दे दीजिए, तो नहीं मिलता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहता हूं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम जैसे रैम मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा आपको मिल जाएगा, और उसके बाद छोटा मोटा पार्ट अगर खराब हो तो मिल जाएगा, लेकिन मदरबोर्ड खराब अगर हो गया, एसएमपीएस खराब अगर हो गया, मतलब कहने का मतलब यह है कि रिपेयरिंग कॉस्ट का ज्यादा पड़ता है इसके मुकाबले, क्लियर है ना। और इसके अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलेगा। सेकंड चीज देखिए, इसके अंदर राइटर जो दिया होता है, ये वाला राइटर ना, अब ये राइटर चाहते हैं कि यहाँ लगा ले, तो इसमें जगह दिया ही नहीं लगाने के लिए। इसका राइटर देखिए कैसा लगा हुआ है, ये जो लैपटॉप में छोटा सा राइटर लगा रहता है ना, वो वाला राइटर यहाँ पे दिया रहता है, देख रहे ना भाई, ये दिया हुआ, ये इसमें अगर लगाना चाहेंगे डमी दिया हुआ है, यहाँ पे राइटर लगता है, जो लैपटॉप के अंदर राइटर लगता है वो राइटर इसके अंदर पतला लगता रहता है। इसमें इनबिल्ट वाईफाई दिया हुआ है, और पीछे दिखाता हूँ मैं, देखिए तार निकाल लेता हूँ भाई, ये देखिए ये, ठीक है। तो इसके अंदर कितना कम जगह में दिया हुआ है, वीजीए पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट भी दिया हुआ है, और इसके अंदर यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, पीएस2 पोर्ट अपने यहाँ तक है, और ये पेच दिया हुआ है, इसको निकाल लेता हूँ,
और खोल के आपको दिखाता हूँ कि कितना कंजेस्टेड होता है ये। इसको ऐसे सिंपल तरीके से ये ऐसे खींचना पड़ता है और ये निकल गया, ये निकाल दिया मैं। अब इसके अंदर आपको हार्ट, अगर आप थोड़े जानकार, देखिए इसका एसएमपी से दिया हुआ है, ये एसएमपी इतना लंबा सा एसएमपी दिया हुआ है, इसमें एसएमपी सिंपल मिलता है, जो 500 वाला एसएमपी आता है वो लग जाता है। इसका एसएमपी लेंगे 4500 रुपए का मिलेगा आपको, और बाहर मार्केट में कम मिलेगा, आपको डेल के सर्विस सेंटर से लेना पड़ेगा। इसका मदरबोर्ड फिक्स दिया हुआ है एकदम पूरा, एकदम साइज का बना हुआ कैबिनेट के हिसाब से। अगर आप कभी मदरबोर्ड दूसरा लगाना चाहेंगे फिर उसमें सेट नहीं होगा, मदरबोर्ड नहीं सेट होगा। देखिए हार्ड डिस्क लगाने की जगह दिया हुआ है, ये सब सिंपल तरीके से निकल जाता है। ये हार्ड डिस्क में पैक दिया हुआ है, ये इसमें HDD लगा हुआ है। अगर मुझे लगाना रहेगा SSD लगाना रहेगा ना, तो थोड़ा सा मुझे ये निकल गया इसके अंदर, बता रहा था राइटर, देखिए ये लगा हुआ राइटर, ये कितना पतला सा राइटर दिया हुआ है इस तरीके से, ये राइटर पतला सा है, और देखिए इसका राइटर कितना मोटा है ये। तो कुल मिला के कॉम्पैक्ट हो चुका है, जगह कम गिरता है आपको, और बहुत सारे लोग को जो है पतला दुबला CPU पसंद आता है। और खैर इसके मुकाबले ये एडवांस है, इसमें कोर i3 लगा हुआ है 7 जनरेशन का, इसमें DDR4 रैम लगा हुआ है, 4GB का इसके अंदर 2GB रैम लगा हुआ था, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और लेकिन ये बता दूं कि देखिए CPU की लाइफ जो बोलते हैं लोग ना 3 साल होता है, तो ब्रांडेड PC अगर लेते हैं जैसे डेल का मैं बात करूं, HP का लेता हूं, इसमें वारंटी 3 साल की मिलती रहती है। तो 3 साल में कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो कंपनियां खुद बदल देती हैं, तो परेशान हो जाते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस PC को लेकर के आप काम करा सकते हैं, अच्छा PC है, इनबिल्ट वाईफाई है और सारी चीजें मिलती हैं। देखिए ये हाथ में एकदम आ गया, ये सिंपल सारा काम करेगा पूरा, जैसे काम करता है वो बड़ा वाला ना, वो काम करेगा। तो आपको पूछेगा कि मिनी PC के अंदर और नॉर्मल जो PC आता है उसमें क्या अंतर है, बता दीजिए। कॉम्पैक्ट है ये, और ये थोड़ा सा बिग होता है, इसमें स्पेस होता है, बस लोगों को क्या चाहिए होता है कि जगह ज्यादा ना घिरे, कम जगह, क्योंकि ऑफिस आजकल कॉम्पैक्ट बन रहे हैं तो छोटे जगह लोग चाहते रहते हैं, इसको लेकर काम करा सकते हैं, उसको लेकर लोग काम करते रहते हैं। मॉनिटर ये वाला जो है ना, ये मॉनिटर पीछे दिख रहा है इसमें भी लग जाएगा, ये वाला मॉनिटर जो दिख रहा है इसमें लग जाएगा, कीबोर्ड जो होता है इसमें भी लग जाएगा, USB इसमें लग जाएगा, मतलब सारी चीजें एक जैसी हैं, बस यही सारी चीजें थी। तो मैंने सोचा कि बनने के लिए आया हुआ मशीन बनने के लिए आया हुआ है, तो एक वीडियो बना दूं और आपको दिखा दूं। मुझे लगता है कि आपको मिनी PC और नॉर्मल PC के अंदर डिफरेंस समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आया तो प्लीज को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइए अगले क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। नमस्ते।